जी मोदी जी की बनाएंगे हम तो सरकार। कैसे? ऐसी राहुल गांधी तो कह रहे 400 भी जी किसी को भी कुछ भी हो, उन्होंने 35 साल उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने आज तक कुछ ना किया। अब मोदी जी की जो पंखड़ी नहीं खिली है ना, वो आपका सही सही खिल जाएंगी। हाँ जी किसान है तो मोदी जी तो कहते थे किसानों का है दुनिया। अजी कुछ भी कहो चाहे मत करो, किसानों के लिए करो भी मत। जो जो जाते हैं ना वो किसान कभी नहीं जाता, किसान खेत में धूप में मरता रहता है, किसान कभी नहीं जाता। 1,00,000 रुपए आप लोगों को दे दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 1,00,000 रुपए बहुत नहीं है? नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे जान से ज्यादा कुछ नहीं है। हम चाहे तो करोड़ों कमा सकते हैं, 1,00,000 क्या क्या औकात है सर? राहुल गांधी कह रहे 1,00,000 रुपए देंगे, इस पैसे से आप लोग कमाइए, अपना बिजनेस बनाइए। नहीं बनाना, हमको अपनी मेहनत से बनाना। गरीबी कब दूर होगी? जब इंसान अपने मेहनत से अपने कड़ खड़ा होगा तब गरीबी दूर होगी। ऐसे गरीबी दूर नहीं होती है। एक है कि नहीं ये नेता मुझे 1,00,000 दे, नेता मुझे 2,00,000 दे, उससे अगर लालच में पड़े हर एक वोट तो बिक रहे, लेकिन हमें नहीं बिकना। राहुल गांधी ने तो 1,00,000 रुपए दे देंगे तो लीजिएगा? नहीं नहीं लेंगे। जबरदस्ती देंगे तो भी नहीं, नहीं लेंगे यार। ले लिए तो नहीं लेंगे, हमसे स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए, हम नहीं लेंगे चाहे कितना भी हो। चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ चाहे 2 रुपया कमाऊँ सर, मेरे बच्चे की भविष्य मैं देखूंगा। मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है, मोदी जी योगी जी कोई भी नेता हो सर, मेरे घर में देखने नहीं आएगा। मेरे को तो कहीं शौचालय नहीं। अच्छा, गाजीपुर मंडी में यहाँ पे है शौचालय? है यहाँ पे है, है बाजू में इस साइड में। चलो आप देख लो वीडियो, लाइव लाइव शो करो सर। है केजरीवाल सही आदमी है लग रहा है? आदमी सही है, आदमी जब सबको सशक्ति दे रहा तो सही नहीं है वो? केजरीवाल सही तो कोर्ट से जमानत मिलना चाहिए ना, कहाँ मिल रहा है? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? चुनाव हम बोलते ही नहीं, धंधा सही चल रहा, दिक्कत नहीं है, सबकी गारंटी मोदी जी की है। अभी तो भैया कह रहे हैं राहुल गांधी तो नाम भी ना आने का, राहुल गांधी का तो अभी तो एक गारंटी दे रहे हैं ना। गारंटी किसी की नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी, हर चीज की गारंटी है मोदी जी की। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम अनार सिंह है जी। लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस वक्त, हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है जी। क्या लगता है किसकी सरकार बन रहा है? जी मोदी जी की बनाएंगे हम तो सरकार। कैसे? ऐसी राहुल गांधी तो कह रहे 420 जी किसी को भी कुछ भी हो, उन्होंने 35 साल उन्होंने सरकार चलाई, उन्होंने आज तक कुछ ना किया। साल आपका बोले 55 साल? अजी 55 हो जाए 35 साल, हमें तो जितना हम पैदा हैं उतनी बात करेंगे ना हम, जितने वर्ष के हम हैं उतने वर्ष से हम देख रहे हैं, उतने वर्ष की बात करेंगे हम तो। हम मोदी जी की जो पंखड़ी नहीं खिली है ना, वो आपका सही सही खिल जाएंगी। बीजेपी को ही बनाएंगे सरकार। तो राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाले हैं, कुछ लाखों की तादाद में भीड़, लोग किसान चल रहे हैं साथ में, व्यापारी वर्ग चल रहा है, सब्जी वाले चल रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते? तो वो भीड़ कहाँ से आया? हम तो ये जो भी है हम ज़्यादा तो जानते नहीं, हम फिर भी फूल को ही वोट देंगे। आप किसान है ना? हाँ जी किसान है। तो मोदी जी तो कहते थे किसानों का है दुगना। अजी कुछ भी कहो चाहे मत करो, किसानों के लिए करो भी मत। तो फिर बॉर्डर पे किसान पहुंच कैसे जाते फिर मोदी सरकार के? वो तो गुंडों का राज है, जो जो जाते हैं ना वो किसान कभी नहीं जाता, किसान खेत में धूप में मरता रहता है, किसान कभी नहीं जाता। तो आप लोग नहीं चाहते कि आप लोगों को तरक्की हो? थोड़ा तरक्की क्यों नहीं होगी, जब किसानों का जब अनाज सही से सामान सही बिक रहा, सब कुछ सही बिक रहा, तो हमें तो फायदा ही है। कि हमें तो अनुभव यही है कि मोदी जी यहाँ फिर से एक बार मोदी सरकार देखना चाहते। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, हम तो ये भी चाहें आपके प्रधानमंत्री का पद जो उनको भी मिला, योगी जी को मिल जाए तो और बढ़िया। योगी जी तो अभी नहीं, 2029 में लगता है। जब भी आए हम तो यही सोच रहे हैं बाबा आ जाए और बढ़िया। अच्छा आप यूपी हापुड़ से आते हैं, यूपी में काबा? यूपी में काबा ये तो हम नहीं जानते काबा। यूपी में काबा मतलब कैसा चल रहा है राज वहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है जी, हमारे ऐसा हमने समय देखा ही नहीं जी। पहले कहा जाता था समाजवादी पार्टी की सरकार में 6 बजे के बाद औरत लोग बाहर घर से बाहर नहीं सर निकलना दुश्वार हो जाए, मार पीट कर टंगरों को खोल के ले जाते थे। अब सब सही है? अब सही है सब कुछ, अब किसी भी समय कोई से समय हो कहीं बेटी जाओ कहीं बहन जाओ कहीं कुछ करो अच्छा लगता है सब कुछ। अभी आप दिल्ली में हो, यहाँ पे केजरीवाल के बारे में आप बहुत सुना होगा। देखो जी हमें तो जितना आपने उत्तर प्रदेश का पता है इतना हम दिल्ली की राजधानी के बारे में नहीं जानते। केजरीवाल के बारे में पता है ना कौन है? दिल्ली का मुख्यमंत्री है। हाँ जी होता है पर हमें इतना जानकारी, जेल में बैठा हुआ है, जेल चला गया भ्रष्टाचार करके, उनको पता होगा क्यों गए जेल में। अच्छा एक दो सवाल आपसे और पूछ रहे, राहुल गांधी कह रहे अगर हमारी सरकार बनती है हर गरीब को 1,00,000 रुपए उनके खाते में दे दिया जाएगा। अरे तो देखो लालच में आएंगे या फिर नहीं आएंगे? ऐसा ठेठ पड़ी हुई है हाथों में देखो, सही है? अच्छा इनसे कमाएगा गरीब और इनसे ही खाएगा, ना तो मोदी जी दें ना ही राहुल जी दें ना जिसकी भी सरकार हो नहीं दे।
अगर कमाएगा तो खाएगा नहीं, बड़ा पछताएगा। फिर भी हम जितने भी लाख रुपए नहीं चाहिए फ्री का, ना 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 ना, हमें नहीं चाहिए, मेहनत करके खाना है जी। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग, क्या नाम है? रोहित। इधर आइए, इधर आइए। नहीं सर मैं थोड़ा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। थोड़ा बोलिए, कोई दिया क्या बोले? राहुल गांधी कह रहे हैं ना कि 1 लाख रुपए आप लोगों को दे दिया जाएगा। हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 1 लाख रुपए बहुत नहीं है? नहीं है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे जान से ज्यादा कुछ नहीं है। हम चाहे तो करोड़ों कमा सकते हैं, 1 लाख क्या क्या औकात है सर? राहुल गांधी कह रहे 1 लाख रुपए देंगे, इस पैसे से आप लोग कमाइए, अपना बिजनेस बनाइए। नहीं बनाना, हमको अपनी मेहनत से बनाना। मेन उनका मोटिव है गरीबी कब दूर होगी, जब इंसान अपने मेहनत से अपने कर खड़ा होगा तब गरीबी दूर होगी। ऐसे गरीबी दूर नहीं होती है। ये कहे कि नहीं, ये नेता मुझे 1 लाख दे, ये नेता मुझे 2 लाख दे, उससे अगर लालच में पड़े हर एक वोट तो बिक रहे, लेकिन हमें नहीं बिकना, हम अपने ईमान में खड़े हैं। पैसों के लिए आप लोग नहीं बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो कौन आएगा इस बार? मोदी? मोदी आए, चाहे योगी आए, चाहे राहुल गांधी आए। राहुल गांधी आए तो 1 लाख रुपए दे देंगे तो लीजिएगा? नहीं नहीं लेंगे। जबरदस्ती देंगे तो भी नहीं लीजिए? नहीं लेंगे यार। ले लिए तो नहीं लेंगे, हमसे स्टाम्प पेपर पे साइन करवा लीजिए। अच्छा, हम नहीं लेंगे चाहे कितना भी हो, हम अपने पे वसूल पे पक्के हैं, अपनी मेहनत अपने बल पे खड़े हैं, अपनी मेहनत का कमाएंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे, अपने बच्चों को अपनी मेहनत। मोदी जी ने कहे थे कि 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होंगे, हम चाहे 2 रखे चाहे 6 रखे, वो तो हमारे घर का खर्चा नहीं चलाएंगे, हम कमाएंगे, हम चाहे 2 रखे चाहे 3 रखे चाहे 10 रखे, हम अपने बच्चे की खर्चा हम खुद देखेंगे, हम खुद देखेंगे, हमें कोई नहीं देने आएगा। चाहे मैं 1 रुपया कमाऊँ चाहे 2 रुपया कमाऊँ सर, मेरे बच्चे की भविष्य मैं देखूंगा, मेरे घर में क्या प्रॉब्लम है। मोदी जी, योगी जी, कोई भी नेता हो सर, मेरे घर में देखने नहीं आएगा वोट पड़ने के बाद। वोट के लिए सब कोई अभी सब घर पे सब घर घर भीख मांगने दौड़ेंगे। अब मेरे को चाहे जेल में डाल दो, जो गलत कह रहा हो तो जेल में डाल दो, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई बोल रहा हूँ। सब भीख मांगने दौड़ेंगे वोट वोट के लिए। उसके बाद मुसीबत गलियों में देखो, सड़कों में देखो। अभी भी आप, मैं आपसे बड़ी बात नहीं कहूँगा सर, आई एम महाराष्ट्रियन। महाराष्ट्र से आप? हम महाराष्ट्र से। अच्छा। मैं महाराष्ट्र से हूँ सर, हम छी मुंबई, लेकिन सर मैं ये बता रहा हूँ, अभी गलियों में देखो, शौचालय भी महाराष्ट्र में बना हुआ है जगह जगह पे, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं बना? लेडीज महिला कहाँ जाएगी? मोदी जी तो कह रहे हैं हमने 2 करोड़ शौचालय बना दिए। कहाँ बना दिए, दिखा दो मुझे। मोदी का ये दावा गलत है। मेरे को दिखा दो, मैं प्रूफ मान लूंगा, मैं हाथ जोड़ लूंगा, मुझे दिखा दो। मेरे को तो कहीं नहीं दिखा, मेरे को भी टॉयलेट लगता है, मेरे को तो कहीं शौचालय नहीं दिखा। गाजीपुर मंडी में यहाँ पे है शौचालय वगैरह? है यहाँ पे है, है बाजू में। अच्छा, इस साइड में, चलो आप देख लो, वीडियो लाइव शो करो सर। है तो 2024 में आप किसको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के, मोदी या राहुल गांधी, किसको देखना चाहते हैं? भाई हमारा भविष्य जहाँ बने हम उसको देखना चाहते हैं, हमारे जो भारत देश का विमान, मतलब जो हमारे भारत देश का भविष्य बने, हमारा भारत देश का, कह रहे हैं 2047 हम विकसित भारत बना देंगे, गरीबी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। कहाँ से खत्म हो जाएगी सर, कहाँ से खत्म हो जाएगी? मैं आम आदमी, कहाँ से खत्म हो जाएगी सर, आप मुझे बताइए। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं अंकल, यहाँ पे क्या नाम है अंकल? मेरा नाम मशकूर है। याफी का दुकान है? हाँ नहीं, ये भाई है हमारे, इनकी बात करो इनसे। भैया क्या नाम है आपका? फरमान। आपका ये शॉप है जी? सब्जी का व्यापारी करते हैं? हाँ जी। कैसा चल रहा है धंधा अभी? मंदा चल रहा है या सही चल रहा है? मंदा है जी, सब्जी नहीं बिक रही। सब्जी नहीं बिक रही है, देख रहे सब सब्जी रास्ते में फेंका हुआ है। फिर ये देखो ना आप कितनी पड़ गई रही, मतलब लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा। क्या कहना चाहते हैं सरकार से? आप लोगों के लिए सरकार कुछ कर रही है या फिर ऐसे ही? ये सरकार का हाथ में है नहीं महंगा दे जी, ये तो फसल ज्यादा हो रही है, भाव नहीं है, खरीदारी नहीं हो रहा है। नहीं, चुनाव चल रहा है, चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? इस बार किसकी सरकार देख रहे हैं? चुनाव हम बोलते ही नहीं, वोट नहीं देते हैं, वोट हमारी आती नहीं। कहाँ से आप हैं? दिल्ली से। वोट नहीं देते हैं? वोट आती नहीं। अच्छा, केजरीवाल को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? केजरीवाल जेल में बैठा हुआ है। हाँ जी, काम तो बढ़िया कर रहे थे लेकिन वो घोटाले में चले गए अंदर। एक के साथ एक फ्री मिला था आपको? हाँ, उसमें गए घोटाले में अंदर, उसी में तो गया अंदर। हाँ, काम तो सही करा था उन्होंने, लाइट फ्री, पानी फ्री, लेडीज के लिए बस फ्री। मतलब केजरीवाल ने दिल्ली में काम अच्छा किया लेकिन भ्रष्टाचार के चक्कर में जेल में वो खराब है ना, बस खराब। भाई काम बढ़िया करा उन्होंने, हॉस्पिटल में सुविधा अच्छी दी उन्होंने। क्या बोल रहे अंकल? मैं अच्छा आदमी को, गलत आदमी जीना दे, मैं ये कह रहा हूँ मैं।
मतलब केजरीवाल सही आदमी है लग रहा है। आदमी सही है, आदमी जब सबको सब चीज दे रहा तो सही नहीं है वो। अगर केजरीवाल सही तो कोर्ट से जमानत मिलना चाहिए ना, कहाँ मिल रहा है? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका, क्या चाहते हो? क्या नाम है? प्रहलाद। कहाँ से है प्रहलाद जी आप? गढ़ क्षेत्र से। यूपी से है? यूपी से। क्या लग रहा है 2024 का चुनाव चल रहा है, वोट दीजिएगा? किसे? किसको दीजिएगा वोट? मोदी जी को। काहे, मोदी ने क्या कर दिया आपके लिए? क्या कर दिया? करोड़ जिसने का एक ईंट भी नहीं लग पाई नहीं, आज उसके लेंटर के मकान बने हुए हैं। जनानियों को सबको गैस चूल्हे दिलवा दिए, शौचालय बना दिया मोदी ने। हाँ जी, अभी तो कह रहे थे शौचालय बना नहीं है, बोले तो शौचालय नहीं बना है। एक भी टंकी घर घर में फिट कर दी, रोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास कर दी। अच्छा। हाँ जी, राहुल गांधी को नहीं वोट दीजिएगा? क्या करा राहुल गांधी ने बताओ आप? बोल तो रहे आपको 1,00,000 रुपए देंगे सरकार बन गई तो। अजी जब दोगे, जब देखा जाए इतने मर गए तो क्या करेंगे उस रुपए का? कुआ में डालेंगे, खाई में डालेंगे, कुड़ी में दाबेंगे, बताओ। अच्छा, केजरीवाल को लेकर क्या सोचते? केजरीवाल के नाम सुने हैं? अब हम तो जिसको देंगे उसको देंगे, क्या कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बनाएंगे। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बन गया है, बीजेपी को फायदा होगा? बीजेपी को बहुत लंबा फायदा हुआ। कैसे? हम इतने ये भूरे बाल जो हैं तो ये देखते चले जा रहे हैं, आज तक भी वहाँ की लड़ाई किसी से भी मैटी नहीं गई, और मोदी जोगी ने एक ही साल में लड़ाई बंद कर दी। अच्छा। कर दी नहीं कर दी? करी नहीं करी? आप बताइएगा ना, हम कैसे बताएं? करी नहीं करी? हो रहा तो हो गया, बंद हो गया। हो गया नहीं होगा, जोगी मोदी की सरकार बनकर रहेगी। क्या नाम है भैया आपका? जी चंद्रमान। कहाँ से है? गढ़मुक्तेश्वर से, यूपी से। यूपी से ही आप भी? कैसा चल रहा है धंधा, कैसा चल रहा है पहले बताइए? धंधा सही चल रहा, दिक्कत नहीं है? सबकी गारंटी मोदी जी की है। अभी तो भैया कह रहे थे धंधा चौपट हो गया पूरा एकदम, सबका साथ सबका विकास सही चल रहा है। अब की बार मोदी सरकार, मोदी सरकार गारंटी से बनेगी, 100% बनेगी। तो राहुल गांधी का नाम सुने हैं? राहुल गांधी तो नाम भी ना आने का, राहुल गांधी का तो वो भी तो एक गारंटी दे रहे हैं ना। गारंटी किसी की नहीं है, सिर्फ मोदी की गारंटी, हर चीज की गारंटी है मोदी जी की। ऐसा क्या कर दिया मोदी ने जो आप? मोदी जी ने तो वो कर दिया जो आज तक जब से देश आजाद हुआ किसी प्रधानमंत्री ने ना करा, मोदी जी ने तो वो करा है। एक दो काम बताइए। काम तो बहुत है, बेगिनती, नंबर भी ना आने का, बहुत काम करे मोदी ने हमारे दिल और दिमाग में, सब में मोदी जी छाए हुए हैं, दिल में भी और दिमाग में, सब में, दिल में दिमाग में सब, 24 घंटे मोदी जी, सबका साथ सबका विकास सबकी गारंटी मोदी जी की। मोदी जी कह रहे इस बार 400 पार, लगता है 400 पार आ जाएगा? 400 पार हाँ आएगा, आपके एक तरफा इलेक्शन होएगा, आपके आपका एक इलेक्शन होएगा एक तरफा। पर विपक्षी पार्टी राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केजरीवाल लोग कह रहे पहला चरण का जो मतदान हुआ 102 सीटों पर, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, एक भी सीट नहीं आने वाला उसमें ना, आपके आएगी। ये तो विपक्ष पार्टी है तो सब अपना अपना करती हैं, मगर बीजेपी अब के आएगी, मोदी जी बनेंगे फिर से प्रधानमंत्री, मोदी जी फिर से। हाँ, आशीर्वाद है आप लोगों। हाँ, पक्का वाला विश्वास है। मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, अभी तो ये ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर बाकी है कि मोदी जी ने जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पिक्चर बाकी है, ट्रेलर तो अभी शुरू है, पिक्चर बाकी है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया, क्या लगता है आपको, इसका फायदा होगा बीजेपी को या फिर नहीं होने वाला? बहुत बहुत बड़ा फायदा होगा इसका बीजेपी से, जितने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बने कुछ हुआ, सिर्फ मोदी जी ने जो ऐसा काम है जो श्री राम मंदिर का निर्माण कराया। और मैं बोलना चाहता हूँ करीब करीब 3500-4000 वोट है सारी बीजेपी की हमारी, एक तरफा इलेक्शन, यहाँ से हम यहाँ के रहने वाले हैं, सुबह को पोलिंग है हमारे यहाँ, काम बाद में करेंगे, पहले वोटिंग करनी है। जलपान? हाँ जी, कल वोटिंग है? कल वोटिंग है हमारे यहाँ, जा रहे हैं अभी, जा रहे हैं घर पे हम, सुबह वोटिंग करनी है, उसके बाद सब काम बाद में करेंगे।